गाइस, आज जो हमारे पास आया हुआ है इंडक्शन रिपेयर करने के लिए, तो इसका जो है इंडक्शन में पावर नहीं आ रहा है, केबल का कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ अंदर में प्रॉब्लम है। तो ऐसा इंडक्शन में प्रॉब्लम आते रहती है। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे पंखा का जो जाली दिख रहा है यहाँ पे इंडक्शन में, वो जाली में देख रहे हैं आप, बहुत ही गंदा है। उस गंदा का वजह से भी इंडक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। तो इस चीज़ को क्लीनिंग, आप गंदा हो तो क्लीनिंग करते रहें, क्योंकि गंदा होने से गर्म ज़्यादा होगा इंडक्शन, तो आपका इंडक्शन जल्दी ख़राब होगा। मैं इसी कारण के लिए इस वीडियो को बनाया हूँ, ताकि आप इस वीडियो को देख के आप इजीली अपना इंडक्शन को क्लीनिंग कर सकते हैं। तो इंडक्शन में सीधा से ओपन करना है, और कोई भी ज़्यादा तामझाम नहीं है। आप अपना एक नॉर्मल सा ब्रश लें और ब्रश से सारा चीज़ को क्लीनिंग करें, ज़्यादा कहीं छेड़छाड़ ना करें, तो इजीली यहाँ पे क्लीनिंग कर पाएंगे। और चलिए, हमारे पास ये ब्रश है, या बड़े वाले ब्रश ले लेंगे जो पेंट करते हैं, उनसे आप क्लीनिंग इजीली कर पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे इस कोयल को भी खोल लेंगे। कोयल खोलने से भी आपका कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, और बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको कर पाएंगे फ्रेंड। तो ये आपको साल दो साल में एक बार करना पड़ता है, अगर गंदा जल्दी हो जा रहा था तो जल्दी करना पड़ेगा आपको। और फैन का जो जाली लगा हुआ, वो उसमें जो गंदा है उसको साफ़ करना ज़रूरी है। और एक चीज़ और बताऊंगा, जो चीज़ आपके पास उपलब्ध नहीं होगा लेकिन उसको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि सेंसर के पास लगी रहती है, वाइट पेस्ट है जो कि हीटसिंक पेस्ट के नाम से जाना जाता है। उसको आप इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में मिल जाएगा, वो हीटसिंक पेस्ट 30-40 रुपये के अंदर मिलेगा, जो कि इंडक्शन कोयल के बीच में जो वाइट वाइट दिख रहा है उसी में वो लगेगा। वहाँ पर उसको लगाना ज़रूरी है, ताकि आपका सेंसर अच्छी तरीके से वो काम करे। तो अभी देखिए, हमारा इंडक्शन चालू है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसका पावर केबल प्रॉब्लम ख़राब हो चुका है, तो यहाँ पे पावर केबल चेंज करके हम इसलिए इंडक्शन को ठीक कर पाएंगे। लेकिन ये तो अभी इंडक्शन ख़राब नहीं हुई थी, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, इसमें जो पंखे का जो हवा निकलने का वो जगह बहुत ही कम था, जिसके कारण से आपका इंडक्शन ज़्यादा गर्म होगा तो आपका इंडक्शन ख़राब होने का चांस जल्दी से रहेगा। अगर कोई डिफॉल्ट हो जाए और जिसके कारण गर्म ज़्यादा होने लगे, तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि तेल चट्टा या किसी कारण बस अंदर में उमस की कारण हो जाता है, जिस कारण से यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आप अपना प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आगे मैं आपको करके दिखाते हैं इसका क्लीनिंग। और इसके बाद मैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको आगे करके दिखाते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे वीडियो में आपको करके दिखाते हैं फ्रेंड। अब फ्रेंड, मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रहा हूँ, और ये क्लीनिंग कुछ देर में हमारा हो जाएगा। तो आप भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पे क्लीनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्लीनिंग अच्छी तरीके से मैं कर पा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर की मदद से, और एक कोलगेट वाली ब्रश की मदद से आप इजीली यहाँ पे क्लीनिंग कर सकते हैं। तो हमारा ये क्लीनिंग हो गया है फ्रेंड, और मैं यहाँ पे इसको अब लगा दूँगा। और एक क्लीनिंग करने के बाद आपका जो पंखा भी क्लीनिंग कर लीजिएगा, ताकि आपका अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करे। और चलिए, मैं पंखा को भी खोल लेते हैं, उसके बाद पंखा का भी यहाँ पे क्लीनिंग करके दिखाऊंगा। तो ये हमारा अभी पंखा को खोल ले रहा, ताकि सेकंड तरफ से भी एक बार क्लीनिंग कर देंगे, ताकि अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो जाए। और एक क्लीनिंग करने के बाद अपना इंडक्शन को अच्छी तरीके से साफ़ करके, और सर्किट बोर्ड को भी ओपन करेंगे, क्योंकि मैं ओपन नहीं कर रहा, गंदा नहीं है इसलिए। लेकिन आप ओपन करके क्लीनिंग करेंगे, और सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। क्लीनिंग करके जहाँ जहाँ पे जो भी स्क्रूब लगे हुए हैं, वहाँ पर वो स्क्रूब को लगा देंगे। तो फ्रेंड, आज का वीडियो यही था, तब तक के लिए बाय। फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड। आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिला होगा फ्रेंड, तो प्लीज़ माय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। फिर से एक नया वीडियो
और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं।